Hi friends, and welcome to my channel Abhidhi Academy 110. If you like my videos, don't forget to like, share and subscribe. And do hit the bell icon if you want to be notified again. Virginia Woolf. Virginia Woolf ka pura naam Adeline Virginia Stephen tha. वो एक इंग्लिश ऑथर, एसेइस्ट, फेमिनिस्ट, पब्लिशर और क्रिटिक थी। वर्जीनिया वुल्फ वाज बोर्न इनटू एन एफ्लुएंट हाउसहोल्ड इन साउथ केसिंगटन, लंदन। शी वाज द सेवेंथ चाइल्ड ऑफ हर मदर। जो वर्जीनिया वुल्फ थी वो लंदन के एक केसिंगटन नाम के शहर में पैदा हुई थी। वो अपनी माँ की सातवीं औलाद थी। Encouraged by her father, Woolf began writing professionally in 1900. Virginia Woolf को लिखने की हिम्मत अपने पिता से ही आई थी, तो उन्होंने 1900 में लिखना शुरू किया। वो एक मॉडर्निस्ट राइटर बन गई 20वीं सदी की। उनके साथ और भी बहुत सारे राइटर्स थे, जैसे कि T.S. Eliot, Ezra Pound, James Joyce and Gertrude Stein. Unke parents ka naam mother Julia Prinsep Duckworth and father Sir Leslie Stephen. Childhood memories were not of London but of St. Eve's in Cornwall, where the family spent every summer until 1895. This place inspired her to write one of her masterpieces to the lighthouse. तो वर्जीनिया वुल्फ का जो बचपन था वो लंदन का नहीं था, वो कॉर्नवल का था, जहाँ पर उसकी फैमिली थी 1895 तक। और इस जगह पर उसने अपना मास्टरपीस लिखा था, टू द लाइट हाउस। She got nervous breakdown after death of her mother, 1895, at age of 13 years. यानी कि वर्जीनिया वुल्फ को नर्वस ब्रेकडाउन शुरू हो गया था कि माँ की मौत के बाद 1895 में, जब वो सिर्फ 13 साल की थी। She was institutionalized after father's death, 1904. And she had mental instability due to the sexual abuse faced by her and sister Vanessa by their half brothers. Virginia Woolf ki father ki maut ke baad 1904 mein usse mental instability ho gayi thi. Wo mentally sound nahi lag rahi thi. Aur jo abuse usne aur uski behan ne unke sautele bhaiyon ke वजह से बर्दाश्त किया, उसकी वजह से भी उसकी मेंटल स्टेट सही नहीं थी। The death of her father in 1904 provoked her most alarming collapse on 10th May when she threw herself out of a window and she was briefly institutionalized under the care of her father's friend, the eminent psychiatrist George Savage. Savage blamed her education, frowned on by many at the time as unsuitable for women, for her illness. जब उसकी फादर की मौत हो गई थी 1904 में, तो उसकी वजह से उसे एक माइनर अलार्मिंग अटैक आया, जिसके चलते उसने अपने आप को खिड़की में से गिरा दिया, जिसकी वजह से उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और एक साइकेट्रिस्ट जो कि उसके फादर के फ्रेंड थे जॉर्ज सैवेज को दिखाना पड़ा। तो जॉर्ज सैवेज ने इल्ज़ाम लगाया उसकी एजुकेशन पे कि इस तरह की एजुकेशन उसके लिए और वुमेन के लिए अनसुटेबल है और यही वजह है उसकी बीमारी की। शी मेट फाउंडर्स ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप एंड बिकेम पार्ट ऑफ लिटरेरी सर्कल। अब वर्जीनिया वुल्फ बाकी राइटर्स के ग्रुप के साथ मिली, जिसके अंदर जॉन मेनार्ड केनिस, ई.एम. फॉर्स्टर एंड लाइटन स्ट्राचे नाम के
लोग थे जो कि लिटरली सर्कल था उन लोग का. ना लिटरली सर्कल जिसमें वो लोग ऐसे टॉपिक्स पे बात करते थे जो कि क्रिटिसिज्म हो गया, एस्थेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, फेमिनिज्म, पैसिफिज्म, सेक्सुअलिटी, ये सब टॉपिक्स पे ये लोग डीप डिस्कशन करते थे. और ऐसे लिटरेरी सर्कल का पार्ट बन चुकी थी अब वर्जीनिया वुल्फ. वर्जीनिया स्टीफन मैरिड राइटर लियोनार्ड वुल्फ ऑन 10th अगस्त 1912 डिस्पाइट हिज लो मटेरियल स्टेटस. वर्जीनिया वुल्फ ने एक लियोनार्ड वुल्फ नाम के आदमी से, जो कि एक राइटर था, उससे शादी कर ली. इसके बावजूद कि उसका मटेरियल स्टेटस यानी कि वो उतना अमीर नहीं था, वर्जीनिया's मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड द नॉवेल्स मिसेस हॉलोवे 1925, टू द लाइटहाउस 1927 एंड ऑरलैंडो 1928. तो वर्जीनिया वुल्फ का सबसे ज़्यादा फेमस वर्क यही थे, मिसेस डॉलोवे जो कि 1925 में लिखी गई, टू द लाइट हाउस जो 1927 में लिखी गई, और ऑरलैंड जो 1928 में लिखी गई. द बुक लेंथ एसे अ रूम ऑफ वंस ओन 1929 एंड इट्स फेमस डिक्टम अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज राइट फिक्शन. तो वर्जीनिया वुल्फ का एक एसे भी था जिसका नाम था अ रूम ऑफ वंस ओन, जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी. और इसका एक फेमस लाइन है कि एक औरत को पैसे और एक कमरा खुद का होना चाहिए ताकि वो अपना खुद का फिक्शन लिख सके. इन सम ऑफ हर नॉवेल्स शी मूव्स अवे फ्रॉम द यूज ऑफ प्लॉट एंड स्ट्रक्चर टू एम्प्लॉय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टू एम्फसाइज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कैरेक्टर. कुछ ऐसी उनकी नॉवेल्स हैं जिनके अंदर वो प्लॉट से हट जाती हैं, स्टोरी लाइन पे से हट जाती हैं, और वो अपने से रिलेटेड एस्पेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने लगती हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अ लास्ट नॉवल बिटवीन द एक्ट्स, वुल्फ फेल इनटू अ डिप्रेशन सिमिलर टू दैट विच शी हैड अर्लियर एक्सपीरियंस्ड. ऑन 28th March 1941 वुल्फ put on her overcoat, filled its pockets with stones and walked into the river Ouse near her home and drowned herself. Wolf's body was not found until 18th April 1941. Her husband buried her cremated remains under an elm in the garden of Monk's house, their home in Rodmell, Sussex. So, jab Virginia Woolf ne apni aakhri novel likhi thi Between the Acts, तो उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई. और इतना डिप्रेशन उन्हें हो गया कि 28 मार्च 1941 को उन्होंने एक ओवरकोट पहना और उस कोट की पॉकेट में बहुत सारे पत्थर भर दिए और वो चली वॉक करने रिवर ओस में, जो उसके घर के करीब में था, और उसने अपने आप को पानी में डुबोकर मार दिया. तो वुल्फ की बॉडी 18 अप्रैल तक तो मिली ही नहीं थी. जब वो मिली तो उसके हस्बैंड ने उसे बरी कर दिया अंडर द एल्म गार्डन ऑफ मॉन्क्स हाउस. अब उनकी फाइनल ड्राफ्ट की बात कर ले तो उनका जो फाइनल वर्क था, अ फाइनल राइटिंग विद दीज वर्ड्स एड्रेस्ड टू हर हस्बैंड, आई नो दैट आई एम स्पॉइलिंग योर लाइफ, बट विदाउट मी You could work, and you will, I know. You see, I can't even write this properly. I can't read. What I want to say is, I owe all the happiness of my life to you. You have been entirely patient with me and incredibly good. I want to say that everybody knows it. If anybody could have saved me, it would have been you. Everything has gone from me, but the certainty of your goodness, I can't go on spoiling your life any longer. I don't think two people could have been happier than we have been. तो वर्जीनिया वुल्फ ने अपने फाइनल ड्राफ्ट में, फाइनल राइटिंग में अपने हस्बैंड के बारे में लिखा
कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ स्पॉइल कर रही हूँ और मेरे बिना भी तुम्हारा काम चल जाएगा, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कर लोगे, और तुम देख रहे हो कि मैं सही से लिख भी नहीं पा रही, मैं पढ़ भी नहीं पा रही, और मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ तुम्हारी वजह से ही थी, और तुमने मेरे साथ बहुत ही पेशेंस के साथ और अच्छाई के साथ वक्त गुजारा, और ये सब जानते हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। और अगर कोई मुझे बचा सकता था तो वो सिर्फ तुम थे। सब कुछ मेरे पास से जा चुका है सिवाय तुम्हारी अच्छाई के, और मैं तुम्हारी लाइफ और बिगाड़ नहीं सकती, और लंबे समय तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी बिगाड़ नहीं सकती, और मुझे नहीं लगता कि दो लोग इतना खुश रह सकते हैं जितना हम दोनों थे। अब देख लेते हैं कुछ फेमस कोट्स वर्जीनिया वुल्फ के लिखे हुए। यू कैन नॉट फाइंड पीस बाय अवॉइडिंग लाइफ। आप ज़िंदगी में सुकून नहीं पा सकते हो जब तक आप ज़िंदगी को अवॉइड कर रहे हो। A good essay must have this permanent quality about it. It must draw its curtain round us, but it must be a curtain that shuts us in, not out. तो वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि एक अच्छा essay वही होता है जिसमें ये quality हो कि वो हमारे अतराफ रहे, लेकिन हमें अंदर लेने के लिए, ना कि हमें बाहर फेंकने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन फॉलो अस नाउ ऑन आपदी अकेडमी 110। थैंक यू सो मच।